Everything is decided by gender and not just role and responsibility. My dreams, कि मैं नर्स बनूंगी के सर्जन, मैं पायलट बनूंगी के एयर होस्टेस, एयर होस्टेस बन गई हमारी बेटी, एयर होस्टेस बन गई, वेरी गुड, घर में भी सेवा करेगी वहां भी सेवा करेगी, शाबाश, एक ही काम है सेवा. सो जेंडर डिफाइंस एवरीथिंग इन आवर लाइफ, इंक्लूडिंग आवर ड्रीम्स, इंक्लूडिंग आवर एस्पिरेशंस. Gender creates stereotypes. So if a girl is born and she doesn't like anything girlish, like I didn't like when I was born, I did not like anything girlish. I just found those stupid games girls played. मुझे बाय गॉड लड़कियों का औरतों का कुछ भी नहीं पसंद, फिर भी मैंने 50 साल औरतों के एम्पावरमेंट के लिए लगा दिए. मैं भी पागल ही हूं मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा दिमाग मेरा ठीक नहीं है. द स्टूपिड गेम्स वुमेन प्ले, द आवर्स दे टेक टू पुट मेहंदी ऑन इट, नन ऑफ दिस वाज फॉर मी. एंड आई वाज लकी, माय पेरेंट्स वर नॉट टू बैड, एंड माय ब्रदर, he did not like anything meant for boys. At that time, we did not know transgender, he, she, जो आज आप लोग कह रहे हो, आपका pronoun क्या है? अगर हमको मालूम होता तो हम भी दूसरे pronoun शायद रख लेते. हमने तो बिना pronoun के जिंदगी गुजार दी, जैसे जीना चाहते थे. मेरा भाई डांस करता था, कथक सीखा, डॉल्स बनाता था. मेरी पहली सलवार कमीज मेरे भाई ने मेरे लिए बनाई, किसी ने रोका नहीं. बातें कर रहे हैं, मैं पिछले 50 साल की बातें कर रही हूं, और मैं ये जानती हूं कि इस ग्रुप में भी शायद आप 5-6 लोगों को छोड़ के कुछ लोग होंगे जिनको वो भी समझाना जरूरी था जो मैंने समझाया है. तो मैं, बट आई एग्री विद यू टोटली, हाँ वो भी है, कितने परसेंट है, क्या है, वो देख लीजिएगा. और आप ये नहीं हो जाए कि हम 1% की बात करते हुए 99% को नकारते जाएं, उनको एक्सेप्ट ना करें और समझे कि वी आर नाउ द सेंटर, बिकॉज फेमिनिज्म सेज वी आर ऑल इंपॉर्टेंट, वी आर ऑल सेंट्रल. माय फेमिनिज्म एटलीस्ट इज दैट. माय फेमिनिज्म इज नॉट टू ईच टाइम पुट समबडी एल्स डाउन, सो दैट्स नॉट माय फेमिनिज्म. सो दोस्तों, बहुत लंबा सफर है. बहुत सी औरतें सिर्फ जेंडर पर काम करती हैं. ठीक है, जिसकी जितनी हिम्मत है उस पर काम करो. हम अलायंसेस बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक को हर एक चीज पे काम करनी है. अगर आप ट्रांसजेंडर पे कर रहे हो तो हर एक को वही भाषा बोलनी है, जरूरी नहीं है. आप भी देखिए कि आप कितने मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की भाषा बोलते हैं, या सिर्फ एक ही भाषा सीख के अब हमको सिखाने वाले हो. उनकी भाषाएं बोली थी, समझते हो सिस औरत का दर्द? जिस दिन सिस औरत का दर्द समझ में आ गया, सब समझ में आ जाएगा. तो कोई जहां भी काम करे, अलायंसेस बन जाती. कोई दलित पे काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाती हूं, वो जेंडर पे नहीं कर पाते, अलायंसेस बना लेंगे. Feminism is basically to get rid of patriarchy. इसका फेमिनिज्म अगर है तो वो पेट्रियार्की के खिलाफ है. फिर ट्रांसजेंडर है, फलाना है, इकोलॉजिकल है, वो अलग है. लेकिन फेमिनिज्म एंड जेंडर एंड पेट्रियार्की आर लिमिटेड टू दिस नोशन ऑफ मेल फीमेल एंड जेंडर. ये तीनों चीजें इसके इर्द गिर्द है. फिर आपके ऊपर है, आप उसकी कितनी बड़ी डेफिनेशन बना लो. By definition, gender means socio-cultural definition of a girl and a boy, man and a woman. It doesn't mean caste, it doesn't mean race. All right, time up.